हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मेरा अकबर सरकानी। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो बस 4:08 बज रहे हैं और अभी बस मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ और कॉलेज जा रहा हूँ। 8:30 बजे से हमारा क्लास शुरू होता है। तो आज का ब्लॉग पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ और आज जुम्मे का दिन है, तो इंशाल्लाह वीकेंड के लिए मैं गाँव भी जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्लासेस को अटेंड करता हूँ, फिर वापस आके सुहेब को अपने साथ ले जाऊँगा गाँव। तो चलिए मैं कॉलेज चलता हूँ, फिर आपके पीछे मैं आ रहा हूँ 12 बजे। सही है, मैं तो नहीं जाता। फिर इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे और इंशाल्लाह जुम्मे का नमाज रास्ते में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं कॉलेज चल रहा हूँ। सही है, सही है, लेट्स गो। डॉक्टर सर या फान एला डॉक्टर से थे वर्ता वाचा होते ते मोरे देखा ओले करना शे बन कम ना भाई बू ने जो कर दे ला कार दावा कमी दो सोलावा ब्लड प्रेशर में हाई जी आप क्या हुआ कम अशे हुआ मोरे वर्ग का दा उन दी हुआ लगते हुए ब्लड प्रेशर का तो दाले में इंसान ने ना सोरे वर खड़े हो जूस मूस रावड़े मुकामा जूस ये कस के बस ये और आगे अखला भी पटा की नार संगे मरा ग्रीन होता उमेर अकबर सरकानी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से, मैं भी ठीक ठाक यार। बस इसे अटेंड करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। तो अभी हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं और इंशाल्लाह रास्ते में जुम्मा भी पढ़ लेंगे। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, चलिए चलते हैं। इंशाल्लाह रास्ते में नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर जाएंगे अपने घर। सहे बोल रहे हैं गाइज, फाइनली मैं गांव पहुंच गया हूं। और यार मैंने तो काटलांग बाजार में नमाज पढ़ना था, लेकिन जब मैं काटलांग पहुंचा तो टाइम था 1:07 और यहां पर हमारे गांव में तकरीबन 1:40 इसके करीब करीब बस जुमात कड़ी होती है। तो अभी बयान जारी है, मैं मस्जिद जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए। मौलाना सालार से अरे को ब्रह्म निमाय तो को ना सही नहीं सही मत को ना हो कर बरा मदरसे ही थी क्या ना सबक टाइम नहीं सालार मत को ना दियो हो बरा टाटा बको को लाण मोय मदरसे तो लाण ओले शर्मी की बगी शर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज हमने पढ़ी और अभी मैं अपने दोस्त हामिद के साथ जा रहा हूं। चल तेज हुआ लगा ये ज्यादा तो वीडियो दड़ा दड़े रकम नहीं जाएंगे तो जरूर बांध
बस अभी हम वॉलीबॉल मैच के लिए जा रहे हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो लेट्स गो, खुद भी इंजॉय कर लेंगे और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ नेट के उस साइड पे, जो टीम है वो हमारे गांव की है और इस साइड पे जो टीम है ये किसी दूसरे गांव की है। तो ये यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें मैच है, अभी देखते हैं कि कौन जीतता है, लेकिन हम एंजॉय करेंगे। ये देखो कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है, ये सारे वॉलीबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ये देखो जालिम बच्चे तो गाइस पहला हाफ ऑफ हो गया है और हमारी टीम ये हाफ जीत गई है। इसके बाद दो और हाफ होंगे ना, दो भाई नौ, हाँ तीन हाफ होंगे, तीन में से दो जिस जीते तो वो मैच भी जीत जाएगी वो टीम। सो दूसरा हाफ भी हम भी जीत चुके हैं, तो मतलब ये कि हम बस मैच जीत चुके हैं। हम कटो अलग दाऊर माखल को तलाए शोक रहे मुबारक से दाऊर। बस गाइस मैच देखने के बाद मैं वापस घर आ गया हूँ और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं वॉलीबॉल का मैच देखने के लिए चला गया था और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने, क्योंकि मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और हमारी टीम मैच जीत भी गई, तो उससे और भी खुशी हुई। तो अभी ऐसा है कि इशा का वक्त है तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।